नमस्कार। कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर कैमूर जिले में किए गए लॉकडाउन की अवधि में लूट, चोरी और छिनती की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ रहा है। बीती रात चोरों ने कैमूर जिले के पंजाब नेशनल बैंक मोहनिया के एटीएम को काटकर रुपए की चोरी कर ली। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की जानकारी सुबह तब हुई जब गार्ड एटीएम खोलने के लिए आया तो देखा कि एटीएम के रूम का शटर कटा हुआ है। इसके बाद बैंक मैनेजर को उसने फोन किया। मौके पर पहुंचे बैंक प्रबंधक द्वारा इसकी सूचना मोहनिया थाना और एसडीएम को दिए। गार्ड ने बताया जब सुबह एटीएम मशीन खोलने के लिए आए थे तो देखे कि शटर काटा हुआ है, जिसके बाद मैनेजर साहब को इसकी सूचना दे दी। बैंक मैनेजर बताते हैं, गार्ड की सूचना पर जब हम पहुंचे तो शटर कटा हुआ था, एटीएम मशीन को भी काटा गया था, उसमें के पैसे गायब थे। पैसे कितने गायब है इसका डाटा अब तक नहीं मिल पाया है, उसका डाटा मिलान किया जा रहा है। एमआई प्लस न्यूज से संवाददाता अजय कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। एटीएम काटा, एटीएम मशीन काटा गया, क्या पूरा मामला है? ये रात को यहाँ पे कुछ अज्ञात लोगों ने हमारा जो कैश डिपॉजिट और विथड्रॉल वाला मशीन था उसका शटर काट करके और उसमें से कैसेट को निकाल करके ले गए और इसकी जांच जो है पुलिस कर रही है, उनको जानकारी दी गई है। सारी अपना छानबीन में लगी हुई है, आगे जैसा होगा वैसा आप लोग खबर मिल जाएगी। सर कितना लगभग पैसा इसमें से गायब हुआ होगा, कुछ आंकड़ा? अभी इसका रिपोर्टिंग हम लोग के पास भी नहीं आया है कितना रुपया गायब हुआ है इसके अंदर, लेकिन वो एक दो घंटे के अंदर हम मिल जाएगा। सुजीत कुमार।